होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी टाइम हुआ है 8:30 PM इवनिंग को और आज की डेट है 14th March। तो आज के दिन मेरी एल्डर सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, उसका बर्थडे है। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने मम्मी के घर पे, क्योंकि उसका जो छोटा वाला बाबू है ना, उसका मेरा नेफ्यू जो है ना आखिर, उसने बोला हुआ था कि मासी आप आना इवनिंग को, मैंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। तो देखते हैं उसने क्या सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। तो अभी हम जाके वहाँ पे देखेंगे कि उसने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है उसकी मम्मी के बर्थडे का। तो चलो अभी हम चलते हैं। ये देखिए गाइस, अखिल ने दो दो केक मंगवाई हुई थी। एक जो है वो रसमलाई है जो अभी हम कट करेंगे, और चॉकलेट केक है वो बाद में करेंगे हम कट। ये देखिए, हमारे छोटे नवाब को केक खानी पसंद नहीं है, लेकिन केक को बिगाड़ना वो उसको बहुत पसंद है। देखो अभी नाइफ से केक का मर्डर कर रहा है वो, और कितना खुश हो रहा है देखो। छोटे साहब जो है ना, उसको तो कैंडल ही ऑफ करनी है। ब्लॉक कतो हो गया। डिंग 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 डिंग। देखिए गाइस, ये मेरी ये लिटिल सिस्टर है जो कि अहमदाबाद पे है, वो वहाँ से वीडियो कॉल पे बर्थडे को एंजॉय कर रही है। और अभी मेरी बारी है केक खाने की। देखो वापस से शुरू हो गया अपने पापा के साथ। पहले अपनी मम्मा के साथ था, अभी अपने पापा के साथ। पहले केक का मर्डर कर रहा था, अब कैंडल का मर्डर कर रहा है। देखो कहीं भी शांति से नहीं बैठता है, नौटंकी। से देखिए सडनली जो है ना, हमारी जो बुआ की बेटी है ना, वो भी आ गई है। हमारी अभी बुआ की बेटी अल्पा और उसका बेटा जो आया हुआ है, सडनली पहुंच गए हैं वो हमारी छोटी सी बर्थडे पार्टी पे। तो अभी देखते हैं उसके साथ वो जोलो चिप वाला प्रैंक करना बाकी रह गया है। वो मेरी लिटिल सिस्टर ने हमें आइडिया दिया कि उसके साथ करो ये प्रैंक। तो देखते हैं अभी क्या हालत होती है दोनों की। बेटे को तो तीखा नहीं लगा, लेकिन मम्मी को पता नहीं है, थोड़ी देर में वो पता चल जाएगा। अभी उसके एक्सप्रेशन निकलेंगे। अरे रे रे, हाँ लगा लगा देखा लगा।
गाइस, अखिल ने किया हुआ अपनी मम्मी की बर्थडे पार्टी का ये अरेंजमेंट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।